नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जनता दल यूनाइटेड की सरकार एक बार फिर से बनी है। आठवीं बार सीएम नीतीश शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन अब शपथ नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो लटक गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है। आपको पता होगा विधानसभा अध्यक्ष और जो राज्यपाल होते हैं उनकी भूमिका काफी अहम होती है। हालांकि नीतीश कुमार ने सरकार को निरस्त किया है, तो विधानसभा अध्यक्ष की पावर लगभग सीज हो चुकी है, लेकिन राज्यपाल की पावर अभी सीज नहीं हुई है। राज्यपाल जब तक समय नहीं देंगे तब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार चला रही है, कहा जाता है कि सरकार देश में जिनकी है राज्यपाल उन्हीं की है। हालांकि ये संवैधानिक पद है, इस पर आरोप नहीं लगाई जा सकती है और हम भी आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो कयास लगाए जाते हैं, राज्यपाल जब तक हामी नहीं भरेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और राज्यपाल ने अभी तक नीतीश कुमार को समय ही नहीं दिया है शपथ ग्रहण के लिए, यानी अब भी नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह लटक गया है। ये सरकार अब भी अधर में है, ये सरकार अब भी लटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर भी बड़ा खेला कर सकती है? नित्यानंद राय बिहार आ चुके हैं, बिहार में उनका काफी अहम कद हो जाता है, इसलिए कि बिहार से वो सांसद हैं, मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिहार में देखने को मिलती हैं। प्रभारी और बाकी जो चीज़ें होती हैं चुनाव में, सब कुछ नित्यानंद राय कर चुके हैं, बिहार का नेतृत्व भी कर चुके हैं। भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार को कह दिया है कि हम लोग तो नीतीश कुमार को अपने नेता मानते थे, नीतीश जी ने एक बार फिर से धोखा दिया है। दबे स्वर में नीतीश के खिलाफ इतना जल्दी तो बोलेंगे नहीं, लेकिन दिल्ली से बड़ी कार्रवाई कर दी गई है और दिल्ली से बड़ी टीम बिहार आ भी रही है, जिसमें सुशील मोदी, नित्यानंद राय आ भी चुके हैं और भी जो बिहार से जुड़े नेता हैं वो आएंगे। खासतौर पे वो नेता जो नीतीश के समकालीन हैं, जो जानते हैं कि नीतीश कुमार क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन भाजपा किस हद तक जा सकती है ये पूरे बिहार की जनता को पता है और देश की जनता ने इसका परिणाम देखा है। और बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी खेला करती है तो बड़ा झमेला हो जाएगा। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला था, बताया जा रहा था कि गांधी मैदान में होगा, अब पूरे बिहार से लोग जुटेंगे, लेकिन उसके पहले जो खबर निकलकर सामने आ रही है, राज्यपाल ने समय नहीं दिया है, इंतजार करना होगा नीतीश कुमार को। अब भी शपथ ग्रहण का आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उसी समय बनेंगे, लेकिन अब तो इंतजार ही करना होगा नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ फैसला आता है और भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को लेकर क्या करती है। क्या भाजपा के हाथ में अब भी कुछ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी 77 विधायकों के साथ बिहार में सरकार चला रही थी, तो क्या भाजपा कुछ नहीं कर सकती है? ये सवाल सभी के जहन में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार गिराकर अपनी सरकार बना सकती है, तो क्या बिहार में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है? ये तमाम सवाल है, और ऐसे में भाजपा खेला कर रही है या करने वाली है, ये देखना होगा। हालांकि नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह लटक चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।